जो दिल्ली की सरकार बनी हुई थी 10 साल से, किसान किसानी की लिए लड़ रहे थे दिल्ली के अंदर, 700 आदमियों ने, जवानों ने इस किसानी के लिए शहादत दी। 1.5 साल तक की सरकार ने अपनी आवाज तक नहीं खोली मेरे सामने, आपसे बात करने तक के लिए भी नहीं आए। वह सरकार इन 4 महीने में 6 कानून के पिछड़े झुक चुकी है, क्योंकि सीट 240 आई है। चुनाव आज की तारीख में संदेश देगा, ये चुनाव आने वाले 1.5 साल के अंदर ये 400 पार 75 पार का नारा देने वाली पार्टी को सीमा पार करने का काम करेगा। फिर एक मुंह धोके बोलना घेर दो, अहमद हम बताऊं था, 10 साल आपा दे दिया है, ऐसे फालतू जिन्हें कोई साथ में बैठे है, ये ऐसे कानून लेके आएगी जिस कानूनों से किसान और मजदूर कमजोर होंगे। आपको सोचना होगा, अपने बच्चों के भविष्य के सोचना होगा। पर विधायक चुनने के साथ साथ अपने इस देश के अंदर एक नया संदेश भी देने जा रहे हैं। 2024 का आम चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की घमंड अपने आप में सीमा पार कर चुका था, 400 पार के साथ शुरुआत करी थी, कोई नजर नहीं आ रहा था उनको, जिसकी मर्जी आए उसकी टिकट काटे थे, जिसकी मर्जी उसने टिकट दे थे, और 400 पार लाएंगे, 400 पार लाएंगे करके संविधान बदलने तक की बात उनके प्रत्याशियों ने कह दी थी। देश में भय का डर का माहौल था, पर वक्त बदला, लोगों की सोच बदली और लोगों की जागरूकता बदली और हरियाणा की तो पक्की बदली। चित मारा 240 पे लाके टिका दिया, और इस 240 का फर्क देखो आप, जो दिल्ली की सरकार बनी हुई थी 10 साल से, किसान किसानी के लिए लड़ रहे थे दिल्ली के अंदर, 700 आदमियों ने, जवानों ने इस किसानी के लिए शहादत दी। 1.5 साल तक की सरकार ने अपनी आवाज तक नहीं खोली मेरे सामने, आपसे बात करने तक के लिए भी नहीं आए। वह सरकार इन 4 महीने में 6 कानून के पिछड़े झुक चुकी है, क्योंकि सीट 240 आई है। पूरे देश की नजर इस 2024 के बाद में आने वाले 12 से 15 महीने में 10 राज्यों के चुनाव में जाएंगे। बात कश्मीर और हरियाणा से हो रही है, 5 तारीख को आप वोट देने जा रहे हो। किसानों की बात करना चाहूंगा, किसानों की आवाज को मजबूत करने के लिए, उनके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे अग्रणी कोई था तो हरियाणा और पंजाब के किसान थे। आपने वो जज्बा था, आपने वो जागृति पैदा करी, आप लड़े, आप हारे नहीं, 1.5 साल तक लड़ते रहे आप। उस सोच के बारे में क्या विचार रखते हो आप, ये चुनाव उसका फैसला करेगा। 10 साल तक ये सरकार रही है, अगर इस बार बन चूक गए तो ये पुष्टि हो जाएगी इस बात की कि किसान के कानून बेकार नहीं थे, हरियाणा की जनता ने साथ दे दिया भाजपा का। क्या आप अपने संदेश देने के लिए तैयार हैं? तैयार हां? जोर ना बोल दो, आप तैयार हैं इस बात के लिए कि हम परिवर्तन लेके आएंगे। जो दिल्ली में चूक हो गई वो चंडीगढ़ में जाने के लिए चूक नहीं करेंगे, और सोमवीर दिन चंडीगढ़ भेज के मानना पा। हम तैयार हो गए बात के लिए। अरे हाथ तो खड़े कर दो, गर्मी पड़े में पता है भाइयों। चुनाव आज की तारीख में संदेश देगा, ये चुनाव आने वाले 1.5 साल के अंदर ये 400 पार 75 पार का नारा देने वाली पार्टी को सीमा पार करने का काम करेगा। थे एक मुश्त होके बोटड़ा घेर दो, अहमद हम बताऊं था, 10 साल आपा दे दिया है, ऐसे फालतू जिन्हें कोई साथ में बैठे है। अब हार जीत में मत देखो, थारी कोई गांव में तेरी मेरी होड़ी है, तू तू मैम होड़ी कैसे थी, कोनी भिड़ेड़ी है ना, तो कोनी का आप ही मरहम लगा लो, 5 तारीख के बाद सरट लियो। एक तो 36 कौम बैठी है मेरे सामने, 36 कौम एक होकर कांग्रेस से जिताने को काम कर लो। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़े बात जागी, आज अगर अपन चूक गए तो 1.5 साल में होने वाले 10 राज्यों के चुनाव में बड़ा भारी फर्क पड़ेगा, और फिर इस भाजपा की मजबूती उठती नजर आएगी। ये ऐसे कानून लेके आएगी जिस कानूनों से किसान और मजदूर कमजोर होंगे। आपको सोचना होगा, अपने बच्चों के भविष्य के सोचना होगा। आज हर दूसरा युवा इस क्षेत्र हरियाणा प्रदेश का जो ग्रेजुएट है बेरोजगार है, सबसे ज्यादा पलायन बच्चों का बेरोजगारी के रूप में हरियाणा से बाहर हुआ है। हर एक घर के अंदर कर्जा बढ़ा है 10 सालों के अंदर किसान के ऊपर। बहुत सी ऐसी बातें जिनके बारे में जितना बोलूंगा उतना कम रहेगा, पर मैं आज सबसे निवेदन करने आया हूँ, ये चुनाव को बड़ा मांग के चुनाव लड़ो। एक परिवर्तन की लहर चली है, अहंकार और घमंड की कोई जगह नहीं राजनीति के अंदर। कोई नतमस्तक होना है तो सिर्फ आप लोगों के सामने होना है, क्योंकि आप हमारी शक्ति हैं। प्रजातंत्र की ताकत प्रजा के पास होती है और प्रजा फैसला करती है। भाजपा तो कह के हमारी लकड़ी भी जीतेगी,
लकड़ी जीतेगी या कहे हैं? लकड़ी उल्टी गालन को टाइम आ रहे भाई, तारीख 5 है या लकड़ी कौन जीतेगी? इंसान जीतेंगे जो जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करने वाले ही हमारे सोमवीर जी। लंबा सफर है, लंबा एक्सपीरियंस है, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और के 36 को हमको साथ लेकर चलेंगे। और जवान साथियों, थारे से निवेदन करना चाहूं और सभी मेरी मातृशक्ति बैठी रही है, सब कुछ बना के ये चुनाव थारो चुनाव ना मान लियो। मैं तो इसलिए बार बार हटके एक बात कहता हूं कि चुनाव बहुत बड़ा है, चुनाव के अंदर देश के लोगों की नजरें हैं इस बात पे। ये चुनाव तस्दीक कर देगा इस बात का कि जिन नीतियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल काम किया है, कि उससे आप सहमत हो कि न सहमत हो। और एक बात को और ध्यान रखिए, दिन 4 ही बच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है 33, 34, 35, 36 बहुत कर रहे हैं, ये 34, 35, 36 एक बार होने दियो। 36 की 36 कौन मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगी। और इन्होंने जो जो 400 पार का नारा देने वाले को पंडित जी सीमा पार करवाए दियो, मोको इस्ताली है। सारा को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।